सोचिए 3,000 रुपया भी मुकम्मल नहीं है। शहबाज भाई तुम्हारी ये जो थाल है ना 2,999 का, मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर है यार। खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना है और हमको जो वेटर है यहाँ पे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये वाली थाल ले लो, बहुत बेस्ट थाल लगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इस्तांबुल में पहली बार आए हो कि पहले भी आए? दिस इज फॉर द फोर्थ टाइम। कैसा लगता है खाना यहाँ का? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आइंदा भी आओगे? मैं आऊंगा। पहली बार आए हो? तजुर्बा कैसा रहा खाने का? अरे अच्छा, बेस्ट, अच्छा। मजा ही? वापिस आओगे? अस्सलामुअलैकुम। जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं इस वक्त कुर्ला के अंदर इस्तांबुल दरबार के अंदर हूँ और आप ये पुर रौनक जो देख रहे हो, रौनक इस बात की है कि लोग यहाँ के खाने के, यहाँ के पकवानात के मजे ले रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे थाल एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। मुंबई में जा बजा मोस्टली हर रेस्टोरेंट जो है वो कोई ना कोई थाल भेजता है, प्लेटर भेजता है, मगर आज एक ऐसा आपके सामने लेके आया हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर अगर वो यहाँ पे आते हैं और खाते हैं तो उनको एकदम स्पेशल प्राइस के अंदर मिलेगा। तो चलिए इसी के तालुक से आज गुफ्तगू करेंगे, मगर हस्बे मामूल पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जाता है। दोस्तों इस वक्त मैं कुर्ला के LBS मार्ग पे हूँ, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे हूँ और मेरे बाजू में ही यहाँ पे कुर्ला काटा है। तो ये जो कमानी से जो सड़क आ रही है कुर्ला काटा जो है, और यहाँ के अगर यहाँ के इस तरफ अगर जाएंगे कुर्ला डिपो का जो सिग्नल आता है बस यहीं पर मेन रोड के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है इस्तांबुल दरबार रेस्टोरेंट दिख जाएगी। काफी मशहूर और मारूफ है और जब भी आओ यहाँ पे भरपूर क्राउड रहता है। तो चलिए अंदर जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितने तरीके की डाइनिंग है। जैसे ही आप अंदर दाखिल हो गए, खूबसूरत सा हॉल है, फुल्ली एयर कंडीशन हॉल है यहाँ पे और यहाँ पर आप बैठ करके खाने के मजे ले सकते हैं। और उसके अगर आप जाओगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये तरखान है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से, देखो सब दोस्त बैठे हैं, अहबाब बैठे हैं और इनकी जो शक्लें हैं वो देखिए कि यहाँ के खाने के, यहाँ के पकवानात से कितने ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेसी के साथ जो है बच्चे जो है फैमिली आराम से खाने के मज़े ले सकती है। तो इस तरह के दस्तरखान यहाँ पे चार है और सबसे बड़ा जो चीज़ है वो देखने जैसी है वो यहाँ का ये हॉल है। ये अगर आप आओगे तो देखोगे तो एक बहुत बहुत ही बड़ा PDR है जहाँ पे बैठ करके आप अपने अहलो अयाल के साथ, आप अपने परिवार के साथ खाने के मजे ले सकते हो, खाने का लुत्फ ले सकते हो। तो आज हम बात करेंगे थाल की। तो जैसे ही वो थाल हमारे को सर्व होता है मैं आपके साथ में रूबरू होता हूँ। इस्तांबुल दरबार जिसका पूरे बॉम्बे के अंदर जिक्र है उसकी ये वाली जो डिश है ना बहुत ही पॉपुलर भी है। क्यों उसकी इतनी मशहूर मारूफ ही है आज हम समझने की कोशिश करते हैं। शहबाज भाई क्या धमाल कर दी हो आपने बॉम्बे के अंदर? कुछ नहीं एक्चुअली, ये हमने थाल लेके आए हैं जी और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है लोगों में जी। और इसमें क्या है कि स्टार्टर्स भी साथ में आ जाता है, मेन कोर्स साथ में आ जाता है, अरेबिक शैंपेन है। इसके अंदर बताएंगे मतलब क्या क्या है इसके अंदर? सो इसमें आप मेरा देख सकते हैं सिया सीख है जो मेरा सिग्नेचर आइटम सबसे पहले ये जी जी, ये एक आइटम हो गई आपकी जी। उसके बाद तस्कन दज्जाज है जो पॉट के अंदर है, ये पॉट के अंदर जी। उसके बाद पेपर टिक्का है okay. ये थोड़ा सा चाइनीज में है okay. फिर उसके बाद ये तंदूरी चिकन है मसाले के साथ और इसके साथ साथ आपको 6 सूप आता है। अच्छा ये जो ये दिया गया है 6 सूप यखनी शोरबा बोलते okay. हैं हम यखनी शोरबा ओके okay. और एक अरेबिक शैंपेन है 1.5 लीटर का, 1.5 लीटर का जी। और इन तमाम चीजों का कुल कॉस्ट क्या है? 2,990। सोचिए 3,000 रुपया भी मुकम्मल नहीं है, 3,000 रुपये से भी कम। आप मुंबई के चप्पे चप आपको प्लेटर मिलेगा, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा स्टार्टर मिलेगा, मगर जस्ट यहाँ पर कुर्ला के अंदर इस्तांबुल दरबार के अंदर आपको जस्ट 3,000 रुपये से भी कम के अंदर इतनी सारी डिशेस मिलती है, इतने सारे पकवानात मिलते हैं। एक चीज वीडियो खत्म करने से पहले ये जानना चाहूंगा शहबाज भाई, ये आइडियल कितने लोगों के लिए है? ये 5 से 6 लोग आराम से इत्मीनान से खा सकते हैं। 5 से 6 लोग अगर उनको इस कदर खूबसूरत एम्बियंस के साथ अगर आना है तो एक चीज ले लिए तो आपको दूसरा कुछ लेने की जरूरत नहीं। ये तमाम चीजें हैं, यहाँ का जो एड्रेस है वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। 3,000 रुपए के अंदर एकदम वैल्यू फॉर मनी है। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे खाइए और खा के बताइए कि आपको कैसा लगा। शहबाज भाई तुम्हारी ये जो थाल है ना 2,999 का, मैं समझता हूँ ये गेम चेंजर है यार। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा शहबाज भाई, इतना कामयाबी से रेस्टोरेंट चलाने के अलावा यार तुम अंदर वाली बात और एक बता नहीं रहे हो यार, वो कैटरिंग वाली। जी, तो हमारा कैटरिंग भी है, सो अगर किसी लोगों को कैटरिंग में इंटरेस्ट है खाने से रिलेटेड, सो डेफिनेटली हम कैटरिंग करते हैं थ्रू आउट द मुंबई। सो हम 500 से लेकर 2,500-3,000 लोगों तक कैटरिंग करते हैं।
और दोस्तों कैटरिंग का वीडियो भी मैंने एक शूट किया है और आई बटन के ऊपर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप चाहे तो वो विजिट कर सकते हैं। और शहबाज भाई, और जिस लिंक की मैंने बात किया, मतलब कि मुंबई के अंदर जो लीडिंग कैटरर्स है, आप इनकी सर्विसेज उनसे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसका मैं खुद विटनेस रहा हूँ। चलिए, मतलब ये यहाँ की जो थाल की जो बात है, मैं खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको 3000 रुपए से कम के अंदर अगर एक थाल मिलती है और इतने सारे उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके के पकवानात मिलते हैं, तो एक बार ट्राई करना तो जरूर बनता है। आप आइए यहाँ पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अब मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपसे रूबरू होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। इससे पहले आपका वीडियो देखे थे इसमें, तो हम लोग वापस से, मतलब ये इधर यही कन्विंस करके आपकी वीडियो से ही आए।